उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत आए दिन एकनाथ शिंदे के गुट के साथ बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने संजय राउत पर जोरदार हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान नितेश राणे ने बड़ा दावा किया। ये दावा नितेश राणे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर किया है। नितेश ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना का समर्थन पर संजय राउत को आड़े हाथों लिया। नितेश राणे ने कहा, संजय राउत को दूसरों द्वारा दी गई आलोचना पर संपादकीय लिखना बंद कर देना चाहिए। अब उन्हें आदित्य ठाकरे की शादी के बारे में एक संपादकीय लिखना चाहिए। इस दौरान नितेश राणे ने कहा, जब उद्धव ठाकरे गर्दन की सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती थे, तब आदित्य ठाकरे और उनके दोस्त वरुण सरदेसाई का गिरोह दावोस में मौज मस्ती कर रहा था। इतना ही नहीं, साथ ही आदित्य ठाकरे ये कहकर खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे कि अब उद्धव ठाकरे की सेहत में सुधार नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के विरोध के कारण ये प्लान फेल हो गया। मैं जसलोक अस्पताल के जिस कमरे में ये बैठक हुई थी, मैं उसके सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। अपने पिता के बीमार होने पर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले आदित्य ठाकरे के बारे में जानकारी सच है या झूठ, संजय राउत को ये साफ करना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हमारी पार्टी और नेता नितेश राणे को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अर्थ नहीं बनता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।